तो बनारस विश्वविद्यालय के अभी एक ऑफिशियल से मेरी सुबह बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि वो सीयूटी की प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और अब जब रिजल्ट आ गए हैं तो एक दो दिन में उनके यहाँ भी काउंसलिंग शुरू होगी। तो काउंसलिंग शुरू होने का क्या मतलब है कि विश्वविद्यालय एक अपना ये निकालेंगे कि इतने परसेंट से लेकर इतने परसेंट के छात्र जो है वो अंग्रेजी जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आकर इस तारीख को अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। तो दोस्तों आपने देखा कि एक सीयूटी के ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि एक दो दिन में हम लोग भी अपना पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, पोर्टल को स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे आप लोग फ्रेश में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो कितनी अच्छी खबर है, कितनी खुशी की खबर है। आपके खबर के लिए, आपकी खुशी की खबर के लिए मैं चुन चुन के न्यूज़ लेके आता हूँ। इसी चैनल पर आपको मिलती है देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के न्यूज़ और एडमिशन से रिलेटेड सारे कंप्लीट प्रोसीजर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जैसे पोर्टल खुला है उसी तरह BHU का भी पोर्टल एक दो तीन दिन में खुलने वाला है। ये BHU के ऑफिशियल्स ने बताया है NDTV के संवाददाता से, और आपने साक्षात प्रूफ के साथ आपने वीडियो भी देख लिया NDTV के जो संपादक है या NDTV के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करते हुए आपने देख लिया कि उन्होंने खुद बताया है कि मेरे से बात हुई, एक दो तीन दिन में हम लोग अपना पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे CUET का रिजल्ट का। तो CUET रिजल्ट आ गया है दोस्तों। आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा कि परसेंटाइल होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, वहां आप देख सकते हैं। BHU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। दिल से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह करे, भगवान करे, आपका BHU में एडमिशन इस साल हो जाए और दोस्तों आपकी करियर की शुरुआत हो जाए, आपके करियर को आगाज हो जाए, आपके करियर को एक किक मिले, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपके करियर भी अच्छी होगी। तो इसी जुनून के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय BHU।